जय हिंद दोस्तों, इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। और ये वाला जो सवाल पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में इंडियन पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष के रिगार्डिंग में दिया गया, यानी कि आपको विचार करना है कि जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई भी संकल्प या विचाराधीन किया जाता है तब उनके पास कौन कौन से अधिकार देखने को मिलता है, उनमें से बताना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे कि पहला स्टेटमेंट कहता है वह पीठासीन नहीं होगा या होंगे होगी। दूसरा स्टेटमेंट कहता है उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। तीसरा कहता है वह संकल्प पर प्रथमता मत देने का और की हकदार नहीं होंगे या होंगे। अब इन तीनों स्टेटमेंट में से बताने कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे हम यहाँ पे ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन ए है ओनली वन, ऑप्शन बी है ओनली टू एंड वन एंड टू, ऑप्शन सी है टू एंड थ्री और ऑप्शन डी है वन टू थ्री। यही क्वेश्चन हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है विद द रेफरेंस ऑफ द लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता है व्हाइल एनी रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द अंडर ऑफ कंसिडरेशन। पहला स्टेटमेंट कहता है ही सी शैल नॉट अ प्रिसाइड्स। दूसरा स्टेटमेंट कहता है ही सी शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक। और ऑप्शन जो तीसरा स्टेटमेंट कहता है ही सी शैल नॉट बी इंटाइटेड टू वोट ऑन द रिजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंसिडेंट, यानी कि इंस्टेंस। तो इस ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, ऑप्शन ए है ओनली वन, ऑप्शन बी है टू ओनली वन एंड टू, ऑप्शन सी है टू एंड थ्री, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि हमारा सिर्फ पहला ही स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, जबकि हमारा दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए उनके पास अधिकार रहता है बोलने का एज अ मेंबर, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तहत उनके पास अधिकार नहीं रहता, लेकिन उनके पास सदस्य के रूप में बोलने का अधिकार रहता है। इसीलिए हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। इसीलिए गलत है क्योंकि अध्यक्ष सबसे पहले क्या है, एक सदस्य के रूप में होते हैं, तो इसलिए उनके पास बोलने और वोट देने का अधिकार होता है। लेकिन वो जो अगर हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर बात करें तो उस तरीके से उनके पास अधिकार नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सदस्य के रूप में बोल सकते हैं और वोट दे सकते हैं। इसीलिए हमारा दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, और जबकि पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा सही है। तो इस हिसाब से जो राइट आंसर है हमारा वो है आपका ऑप्शन ए। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।